दोस्तों, ये हमारे गांव को जाने वाला रास्ता, वैसे तो ये नई सड़क है मगर बरसात के कारण खूब टूट फूट उबड़ खाबड़ होने से अब ये रास्ते के रूप में बन गया है। इसमें इस वक्त गाड़ियां नहीं चल सकती हैं और शायद अभी कुछ महीने लगेंगे इस रोड में जीप गाड़ियां टैक्सी चलने के लिए। हम काफ़ी दूरी तक पैदल चलते हैं। जहां से मैं आ रहा हूं, मेरे पीछे काफ़ी चट्टान टूटा हुआ है, पत्थर जमा है रोड में। यहां तो थोड़ा बहुत हालत ठीक है मगर आप देख रहे होंगे वीडियो में सामने की सुंदर पहाड़ियाँ, आसमान में रंगीन बादल, यहाँ के नज़ारे में चार चांद लगा देते हैं। अभी हम अपने नज़दीक के छोटे से बाजार से घर वापस जा रहे हैं। पैदल लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ये तो अभी अच्छा रास्ता है, इससे भी खतरनाक रास्ता अभी जंगल के बीच से होके चलेगा। एकदम 1.5-2 किलोमीटर बिल्कुल पगडंडी में होते हुए जाएंगे मगर ट्रैकिंग का हम खूब आनंद ले रहे हैं। ये कभी कभी मौका मिलता है, साफ एकदम स्वच्छ हवा यहाँ पर बह रही है और कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। दूर दूर हरियाली छाई हुई है, थोड़े बहुत यहाँ पर गांव के घर हैं जो भी दूर दूर हैं, एकदम घनी बस्ती नहीं है, इसलिए एकदम सुंदर और साफ हवा बहती है, ताज़ी ऑक्सीजन हमें मिलती है। यहाँ पर पानी भी जो है बिल्कुल साफ मिनरल वाला, एकदम से लिविंग वाटर जिसको बोल सकते हैं, और जो अल्कलाइन कंडीशन में रहता है, इसलिए यहाँ पर हमको भूख भी अच्छी लगती है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है यहाँ पर, और लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो ये रास्ते का आनंद देख करके आपका भी मन हो रहा होगा, तो ऐसी बहुत सारी जगह उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए हैं जो आप पैदल ट्रैकिंग करके 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर जा करके ऊंची पहाड़ियों से हिमालय का भी नज़ारा देख सकते हैं, पहाड़ियों का, हरी भरी वादियों का नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सदाबहार वन दिख रहा है, ये बांज के वृक्ष हैं। ये बोलते हैं कि जहाँ पर ये बांज उगता है उस जगह पर पानी की आर्द्रता बनी रहती है और स्वच्छ हवा भी वहाँ पर बरकरार रहती है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नई जगह को दिखाते हुए।